हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने गांव खंदावली का दौरा कर जुनेद के परिवार के साथ मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, हत्या के आरोपी को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े कानून बनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को खंदावली गाँव में आकर जुनेद के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। सब लोग हजारों साल से प्यार प्रेम और सद्भावना भाईचारे के साथ रहते हैं, तो इसको ना खत्म किया जाए, ना खंडित किया जाए, यही हमारी सबकी अपील है। और जो खट्टर दोषी कहते हैं, हम कहीं भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ जुनेद के परिवार से मिलने पहुँचे, वो भी मीडिया में खबरें आने के बाद, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके? ये तो देखो, सबकी जिम्मेदारी है, मानवता सबसे बड़ी होती है, वो किसी का भी हो। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी भी भूल चुकी है, संवेदनाएँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, संवेदनशील भी नहीं है, और इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी पीछे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 बच्चे मर गए, एम्बुलेंस तक उनको 3 घंटे में नहीं मिली, वो ऑटो में डाल करके उनको लेके गए, और जब PGI चंडीगढ़ में वो बच्चे मृत घोषित हुए, उसके बाद टेम्पो में उनको लेकर के आए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पर होते हुए वो नहीं मिले। जब हम लोग सब पहुँचे, दबाव बना, उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को वहाँ पर भेजने का काम किया। मैं समझता हूँ कि अगर व्यस्तता ज़्यादा है, पहली बात तो प्रदेश के मुखिया को एक संदेश देना चाहिए, और ऐसी जगह आकर के संदेश देना चाहिए था। मैं भी एक बात पूछना चाहूँगा, आपकी पार्टी के लोग अगर आप संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, अभी आपके लोग बड़े झगड़े ससरे हैं, खुशी का माहौल बना रहे हैं, ये संवेदना व्यक्त करनी। देखिए, वो तो क्या बात है क्या नहीं, यहाँ जो बात करने के लिए अभी एक डिसिप्लिन, चलो उसमें अब उनकी डिसिप्लिन अभी हमें नहीं देखना है, हमें अभी ये देखना है कि सरकार में क्या डिसिप्लिन है, जो बहुत जिम्मेदार लोग इसमें इशू नहीं है, ये तो दैट इज नॉट द इशू, जो इशू है उसके ऊपर बातचीत करें, आम लोग इस पे पूरी जो इशू है ना उस पे बात करें अभी हम लोग।